वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं, ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड अ वंडरफुल काउंसलर व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन. हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद सैयद. अस्सलाम वालेकुम सज्जाद. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. थैंक यू, सेम टू यू. आई एम सो थैंकफुल कि लास्ट टाइम जब आप हमारे पास आए थे एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हु शुड बी अटेम्प्टिंग द लोकल सिस्टम या ए लेवल्स के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड. तो आज हमने सोचा कि ज़रा फ्यूचर रेडी टैलेंट की बात करेंगे. एवरीबडी वुड लाइक टू हैव क्वालिफिकेशन जिससे उनका एक करियर, सक्सेसफुल करियर इंश्योर हो जाए. लेकिन आज के दौर में ये सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज इतनी सारी स्पेशलाइजेशंस हैं. खास तौर पे पेरेंट्स के लिए बच्चों को गाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो सज्जाद, इफ आई मे आस्क यू, एक हमने पूरी दिहाई गुजारी है, एक डेकेड है जिसमें द मोस्ट पॉपुलर डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान समहाउ बिकेम बिजनेस स्टडीज़. यानी लोग BBA कर रहे थे, MBA कर रहे थे. आज भी मैं देखती हूँ कि हर बिजनेस स्कूल भरा हुआ है. उसके जब एंट्रेंस टेस्ट होता है बहुत बड़ी तादाद में लोग अप्लाई भी करते हैं. हाउ आपके ख्याल में ये डिग्री कितनी ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी इन द ईयर्स टू कम? सिद्रा, आई वुड से दैट आजकल जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है जी, इट इज़ मोर हैंड्स ऑन एंड आई थिंक पीपल लर्न मोर when they start up their own business. True. And obviously before doing that they will have done plenty of research. Mm. So they know where to start, where to go, and of course there are no guarantees, businesses fail as well. Theek but hai. That doesn't mean that the initiative to do new businesses should be not taken up. It's very important. Plus I think the role of technology, if accounting for example, you know, can be done by softwares. Mm. So I think conventional MBA BBA degrees, they are not going to be the demand in future. Ji, I think they have already lost a lot of relevance. Exactly. Agar aap 2020 mein admission le rahe hain to aap recommend nahi karenge logon ko BBA MBA karna. Waise bhi uske andar bahut sari ek tarah se liberal arts program hi hota hai. Aur ek aur cheez jo dekhne mein aayi hai Sajjad, ke jo business graduates hote hain unme se bahut kam apna business shuru karte hain. What they end up doing is looking for jobs jo ki already market mein kam hai. Bilkul. I think hamare पास से वो टाइम अब बहुत जल्दी से चला जाएगा जब कॉरपोरेट एंटिटीज़ विल बी द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. जैसे हमारे ज़माने में होता था कि बैंक ज्वाइन कर लेंगे, मल्टीनेशनल ज्वाइन कर लेंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, पर्क्स भी होंगी, बेनिफिट्स भी होंगी. देर इज़ सो मच अनसर्टेंटी दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो बिकमिंग रिलक्टेंट टू हायर पीपल ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग इज मोर हैपनिंग. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजिटल नोमैड इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज. सो आई थिंक skills rather than a strong, I'm not against a strong degree, but I think strong degree should be coupled with strong skills and very diverse माइंडसेट. और बहुत हैंड्स ऑन होने की आपको ज़रूरत है, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे यू नो एक तरह से माई हार्ट गोज़ आउट टू द पेरेंट्स सज्जाद, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क लाइफ थी, आई थिंक इवन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर फेसिंग दैट. मैं देखती हूँ कई लोगों को जिनके बच्चे इस वक्त स्कूल में हैं या यू नो मिड स्कूल में हैं एंड सडनली दे देमसेल्व्स फाइंड देमसेल्व्स स्ट्रगलिंग विद द वर्क एनवायरमेंट. अगर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे थे, एक की जॉब ख़त्म हो गई है. सो अनएम्प्लॉयमेंट एंड लुकिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ जॉब इज़ वेरी मच अ रियलिटी. क्या कहेंगे उन टीनएजर्स को जिन्होंने अभी ए लेवल्स या इंटरमीडिएट ख़त्म किया है? कोई टॉप 3 डिग्रीज जो आपके ख्याल में आने वाले वक्तों में स्कोप इसका ज़्यादा होगा और इस वक्त अगर वो डिग्री प्रोग्राम्स कंसिडर कर रहे हैं तो इन 3 फील्ड्स को जरूर करें? देखें, विद द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑलवेज ऑन द राइज, वी आर नाउ आई थिंक बियॉन्ड 7 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट. द डिमांड फॉर एनर्जी इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर. सो आई थिंक एनर्जी इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड. उसके अलावा हेल्थ केयर, पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आई थिंक मैथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ which is not being given the importance it deserves these days. Acha, aur aam taur pe jaise baat ki jati hai jitni digital companies hain, when they are trying to create that business model usme wo hamesha dalte hain about data analytics because what every app is getting is you know tons and tons of data. Lekin uski analytics ke liye you're right ki you know while their algorithms and technology is there, you still need a mathematician to take a look at these analytics. So agar main ek dafa recap karu, aap jin fields ko explore zarur kare, energy,
alternative and you know complementing energy resources ki baat karein jiske andar aapka solar power bhi aa jata hai, wind bhi aa jata hai, thermal coal plant hai aapke samne. So these are the new emerging fields. Iske ilawa healthcare aapke samne hi hai. Coronavirus ke baad you know there are so many crises, healthcare related crises jo duniya mein aate rehte hain jiska aapne samna karna hai. And of course data sciences and artificial intelligence. Aapne dekha abhi tak hamare jo secondary level schools hain Sajjad, kya usme change aaya hai? Because world over basic curriculum mein coding ko shamil kar diya gaya hai, lekin Pakistan mein abhi bhi bachche coding nahi seekh rahe hain. Dekhiye coding is very important. Hamare paas jo curriculum develop ho raha hai usme humne artificial intelligence, coding, programming, in sab cheezon ko as a core course rakha hua, and these are compulsory courses that students will have to do. It's very very important because there is no way forward without them. So main hamesha bachchon ko bolta, for example students come to me and they say I want to do sociology and I want to do psychology and why do I have to do math? And I always tell them that if you want to be a prolific sociologist, and let's say you observe that in a particular country there's a high correlation between unemployment and suicide, then just saying that is not going to establish it. You have to understand the research, you have to collect data on suicide, collect data on unemployment, you should know how to statistically process it and then arrive at a correlation and some kind of a causality, and that's when you will convert your observation into a established theory. Absolutely. Sajjad, iske alawa I do want to spend some time talking about the power of language. Ab main dekh rahi hu ki jis tarah dollar is becoming so strong ya the UK pound is becoming so strong, to jo traditionally hum jin ko Ivy League colleges and schools kehte the wo kai logon ke liye affordable nahi rahe hain. Now students are exploring places in Europe, places in Turkey, yani I'm talking about universities and colleges. Kya wahan ka rukh karte hain? Abhi Wuhan ke silsile mein jab humne dekha ki crisis aaya in terms of the coronavirus, wahan pe bhi Pakistani students maujood hain. So why is it that we wait aur hum kehte hain ki hum kisi aisi jagah chale jayenge tab hum language skill acquire karenge? Pakistan mein abhi tak ye debate chal rahi hai ki ji angrezi ko chhodiye, sirf urdu mein baat kijiye, balki puri duniya mein log 5-5, 6-6 languages seekhte hain. So do you think learning a new language or a foreign language is important? Ji, foreign languages are very important. Pakistan mein I think there's a very people trying to learn Mandarin because of the China-Pakistan economic corridor. People think that a number of job opportunities would be based on the ability to communicate in Mandarin. That's always there. But I think English is a universal language. And unless you are an economy like Japan, where you say, oh, we'll do everything in our language, and then you translate all literature from all over the world, from all languages into your language, right? Only then people will get the exposure which is required to succeed and develop. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अंग्रेजी को छोड़कर और मैंडरिन को छोड़कर, क्योंकि चाइनीज पे बहुत बात है, जो आपके ख्याल में यंगस्टर्स को, नौजवानों को सीखनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? देखें, आई वुड से मे बी स्पेनिश वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक अरबिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द मिडल ईस्ट एंड नोइंग दैट लैंग्वेज कैन गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो एनी यूरोपियन लैंग्वेज अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो वेरी साउंड एडवाइस, क्योंकि दो जबानें जिसको सबसे बड़ी दुनिया की आबादी यानी कसीर तादाद में लोग बोलते हैं इसको, वो है अरबिक, इसमें शामिल है, और स्पेनिश इसमें शामिल है. एक कॉल ले लेते हैं.